देश भर में जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पर्यावरण जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता जैसे कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो लोगों के बीच वित्तीय जागरूकता फैलाने की, बैंकिंग से जुड़े तमाम जानकारियों को देने की और खुद को वो कैसे फ्रॉड से बचा सके इसकी जानकारी देने के लिए। और झांसी में भी ये अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को खासतौर से उनके गांव में जाकर, उनके खेत पर जाकर वित्तीय जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन किसान इस कार्यक्रम से बोर ना हो जाए इसलिए यहाँ जागरूकता फैलाने के लिए एक जादूगर की मदद ली जाती है। जी हाँ, जादूगर अब अपने टोपी से खरगोश नहीं निकालता बल्कि कोई एक योजना निकालता है और लोगों को बताता है कि उस योजना का उन्हें लाभ कैसे मिल सकता है। इस बारे में हमें अधिक जानकारी दी प्रथमा ग्रामीण बैंक के SRM ने। सर, किसानों को जागरूक करने के लिए, वित्तीय जागरूकता के लिए क्या योजनाएं की जा रही हैं, बैंक से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे बैंक के द्वारा इस समय नाबार्ड के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक शाखा पे 3 गांव में के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि लोग वित्तीय के लिए जागरूक हो जाएं। उसके क्रम में हमने एक एजेंसी को एंगेज किया हुआ है जो जादूगर के माध्यम से लोगों को जादू दिखा के अट्रैक्ट करके रखते हैं कार्यक्रम में, और उसके माध्यम से बैंक की विभिन्न योजनाएं और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, शासन की योजनाएं हैं जैसे अटल पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इनके बारे में उनको जानकारी देते हैं। इसी तरह से जो रुपए कार्ड है, ATM कार्ड है, इसकी यूज़ करने के बारे में किसानों को जागरूक करते हैं और बैंक की योजनाओं के बारे में उनको जागरूक किया जाता है। सर, क्या योजनाओं के साथ ही जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं बैंक सेक्टर पे, जी, उनके बारे में जागरूक किया जाता है किसानों को? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से उसके बारे में किसानों को, जो ग्राहक हैं उनको बताया जाता है, जो क्योंकि आप भी समझते हैं ग्रामीण जनता अभी उतना शिक्षित नहीं है जितना शहरी और जो एजुकेटेड लोग हैं उतना इस बारे में, तो उनको जागरूक किया जाता है कि अपने पिन वगैरह को अपने पास संभाल के रखें, डिस्क्लोज ना करें, बिना OTP के कोई ट्रांजेक्शन ना करें, इसके बारे में भी उनको पूरी तरह से सचेत किया जाता है। तो आपने सुना मनोज गुप्ता को, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जादूगर की मदद से किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक बैंक के बचत खातों से अपना लाभ उठा सकें। 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।